उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूर को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई बयान सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी मजदूर उत्तराखंड में फंसे हैं उन्हें सही सलामत राज्य लाया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बयान को लेकर झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा भी साफ तौर पर देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ योगेश भारती और एक अभ्यर्थी भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जो भी मजदूर बाहर जाते हैं वो अपने शौक से जाते हैं, तो क्या इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि सही में शौक से यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं? देखिए, जो सत्यानंद भोक्ता जी जो इस प्रकार बोल रहे हैं, एक मंत्री होके कहने के 3.25 करोड़ जनसंख्या झारखंड में और पूरा 3.25 करोड़ जनसंख्या ये मंत्रियों पर नज़र गड़ाए हुए हैं, विधायक पर। अगर मुखिया होके अगर इस प्रकार आप मनोबल को तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मंत्री के बराबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे अगर शिक्षित अगर आदमी होते ये मंत्री होते तो ये फिर ये अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन इस प्रकार घटिया बयान देकर और मनोबल जो तोड़ते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर माननीय जो है भोक्ता जी जिस प्रकार बोलते हैं इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। और ये जो है उस पेपर में बोल रहे हैं, बयानबाजी भी दे रहे हैं कि राज्य में तो राज्य सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन राज्य में तो नियुक्तियों बांट रहे हैं, लेकिन बेरोजगार जो है शौक से कमाने जाते हैं। हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं, मंत्री जितने भी है कैबिनेट में 11 मंत्रियाँ हैं, क्या 11 मंत्री कभी शौक से बाहर कमाने के लिए गए हैं? कभी नहीं गए होंगे। अगर गए होंगे तो फिर बयानबाजी प्रेस विज्ञप्ति इन लोग जारी करें या फिर मीडिया प्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर इस प्रकार आप बयान देते हैं तो 3.25 करोड़ जनसंख्या, क्या इन लोग की यही चेहरा मतलब कि बोलने के लिए दिखने के लिए क्या ये बनाए थे मंत्री? एक और जहाँ सरकार कह रही पता ही नहीं है कि फिजिक्री के एग्जाम हुआ है या जेई के एग्जाम हुआ है, उन लोग को कुछ पता नहीं है। ये जितने भी 11 के कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री है इन लोग को कुछ पता नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है, तो इन लोग को कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग है। इस प्रकार बयान उल्टा पुलटा देते हैं तो इस प्रकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो बहुत ही गरीब छात्र है और हम लोग को बहुत ऐसा में दुख और दर्द होता है, हमारे साथ साथ लाखों लड़का मेरे साथ मेरा ही जैसा है। इस प्रकार बयानबाजी इन लोग को नहीं देना चाहिए। साथ ही हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब या भोक्ता जी हो या कोई भी जी हो, आप जब आए हैं सत्ता तो सत्ता बदलते रहता है, कुर्सी बदलते रहता है, इसलिए आप 5 साल के कार्यकाल में आए हैं तो आप ऐसा बेहतर काम करके जाइए कि जब तक धरती रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, ना कि आप ऐसा बयानबाजी कीजिए कि आपको क्षण भर के लिए लोग पहचाने और तुरंत भूल जाए। इसलिए गलत बयान मत दीजिए, हम लोग को मनोबल टूटता है। कहीं ना कहीं आप मुखिया होकर इस प्रकार बात करते हैं तो सरासर अन्याय है झारखंड के लिए। चलिए, और भी हमारे साथ अभ्यर्थी, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का तीसरा चरण जो है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो भी लोगों को परेशानी है, जिनका हक नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हक दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छात्रों का आंदोलन लगातार देखने को मिलता है। क्या लगता है कि आप लोग जो विश्वास के साथ सरकार को लेकर आए हैं सत्ता में, क्या सरकार वो अच्छे से काम कर रही है, क्या बेहतर तरीके से काम कर रही है, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है? देखिए मैम, अभी झारखंड का जो मतलब जितना भी बच्चा मतलब स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहा, उन लोग का सबसे बड़ा परेशानी का 5 साल होने चला, बट अभी तक कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाए, और जो हाल में अभी करवाए भी वो भी वैसे ही रहा, सही से ले नहीं पाए। अभी CGL का जो डेट दिया हुआ है उसमें भी देखा जा रहा है कि वो भी कोई फिक्स डेट है नहीं। ठीक, तो आखिर यहाँ का स्टूडेंट लोग जाए तो जाए कहाँ? 5 साल तक कोई अगर लड़का अगर तैयारी कर रहा है, उतना खर्चा उसको घर से अगर मिल रहा है तो 5 साल तक तो कोई नहीं तैयारी करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना, कम से कम एग्ज़ाम होना चाहिए, भले वो निकाले या ना निकाले मगर उसको मिलना चाहिए कि नहीं भाई हमको एग्ज़ाम देना, हम तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम होना चाहिए। बट झारखंड में ये देखा जा रहा है कि बस लड़का लोग तैयारी किए जा रहा है और एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है, तो इससे सरकार को यही ना करना चाहिए कि टाइम पे एग्ज़ाम ले, रिजल्ट दे, इससे छात्रों का भला होगा। बट यहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिल रहा है, बस लड़का लोग है कि दिन रात पढ़े जा रहा बट कुछ हुए नहीं जा रहा। तो यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जो भी मजदूर बाहर कमाने के लिए जाते हैं अपने शौक से जाते हैं, सरकार तो रोज़गार दे रही है, सरकार तो नियुक्ति दे रही है। देखिए मैम, अगर सरकार रोज़गार देती तो फिर लोग बाहर क्यों जाते फिर? अगर सरकार अगर रोज़गार देती तो इतना लोग बाहर क्यों जाता फिर? तो यही देखिए, सरकार ना एक दोहरी नीति चल रही है। ठीक, एक तो दूसरी तरफ बोलती है कि नहीं हम रोज़गार दे रहे हैं, ठीक, और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि नहीं शौक से जा रहा। अरे भाई, अगर तुम रोज़गार दोगे तो लड़का क्यों जाएगा बाहर? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है।
देखिए झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं, लिहाजा उनका कहना रहता है कि सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई है वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं की है, और यही वजह है कि झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जो बयान दिया है उसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि सत्यानंद भोक्ता को ये बयान नहीं देनी चाहिए, अगर सरकार रोजगार दे रही है तो यहाँ के अभ्यर्थी, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते, सरकार रोजगार देने में असफल है, इसीलिए झारखंड के अभ्यर्थी बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसे कमाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है, आखिर सरकार क्या कुछ इन लोगों के लिए करती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाज़त, नमस्कार।